हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग सभी अपनी जगह पर ठीक ठाक से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शॉर्ट्स को हम किस तरह से वायरल कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स का यूज़ करके। दोस्तों, अगर आप भी शॉर्ट्स बनाते हैं और शॉर्ट्स के ऊपर आपके व्यूज़ नहीं आते, शॉर्ट्स वायरल नहीं होते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब के निशान पर टच करके और घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट्स बनाते हैं, शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, शॉर्ट्स आपके वायरल नहीं होते, तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। दोस्तों, एक छोटी सी गलती होती है जिसकी वजह से हमारे शॉर्ट्स जो हैं वो वायरल नहीं हो पाते। तो चलिए फ्रेंड, देखिए, मैंने अपने चैनल पे पहले से ही एक शॉर्ट्स के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है कि आप किस तरह से शॉर्ट्स को अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से सेटिंग लगा सकते हैं या किस तरह से शॉर्ट्स आपके वायरल होंगे। तो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स अगर आप यूज़ करेंगे अपने शॉर्ट्स के अंदर तो आपके शॉर्ट्स यकीनन वायरल होंगे ही होंगे। क्या है वो टैग्स, तो चलिए फ्रेंड्स आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ठीक से समझना है और सुनना है। दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी में चाहें अपने शॉर्ट्स बनाएं, लेकिन आपको ये जो तीन इंपॉर्टेंट टैग्स हैं ये हमेशा यूज़ करना है। और किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैंने YT स्टूडियो खोल लिया है और यहाँ पर एक ये चैनल है। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट्स के अंदर सिंपली चला जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि शॉर्ट्स के अंदर हमें कौन से इंपॉर्टेंट टैग्स लगाने होते हैं हमेशा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैं एक शॉर्ट्स यहाँ पर खोल लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने इसको एडिट के ऊपर मैं चला गया हूँ। अब देखिए, यहाँ पर हम उसी पेज पर आ गए हैं जब हम अपना शॉर्ट्स अपलोड करते हैं। इसी कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, हम जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, यहाँ टाइटल लिखते हैं, यहाँ पर टैग्स लिखते हैं नीचे, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है, तो ये जो आप टाइटल जो ऊपर लिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ टाइटल में आपको तीन टैग जरूर यूज़ करने हैं। वो क्या यूज़ करने हैं, देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइटल में अपना जो है कंटेंट या वीडियो का जो नाम है वो लिखेंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, सिंपल, ये आपका हो गया टाइटल अपनी वीडियो का या शॉर्ट्स का। उसके बाद बारी आती है फर्स्ट टैग की। फर्स्ट टैग आपको क्या लगाना है फ्रेंड्स, सबसे पहला आपको टैग लगाना है हैशटैग शॉर्ट्स। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में वीडियो बनाएं, चाहे टेक्निकल, चाहे फनी, चाहे ब्लॉग बनाएं, चाहे किसी भी चीज़ की आप शॉर्ट्स बना रहे हैं, फर्स्ट टैग्स आपको हमेशा ये याद रखना है, आपको लगाना है हैशटैग शॉर्ट्स। हैशटैग शॉर्ट्स आपको हमेशा ही लिखना है फर्स्ट टैग। सेकंड टैग्स आपको क्या लिखना है, ट्रेंडिंग, हैशटैग ट्रेंडिंग, इसको आपको हमेशा लगाना है। पहला हैशटैग शॉर्ट्स, दूसरा हैशटैग ट्रेंडिंग और तीसरा आपको लगाना है हैशटैग वायरल, चाहे किसी भी कैटेगरी में क्यों ना बनाएं। तो देखिए, यहाँ पर भी आपको तीन टैग्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ पर लगा हुआ है शॉर्ट्स, दूसरा लगा हुआ है हैशटैग ट्रेंडिंग और यहाँ पर हैशटैग वायरल। पहला आपको हैशटैग शॉर्ट्स जरूर लगाना है। इससे होता क्या है, पहले वो आप जान लीजिए। हैशटैग शॉर्ट्स जब हम लगाते हैं ना, तो हमारा जो शॉर्ट्स है शॉर्ट्स फीड के अंदर जाता है। शॉर्ट्स फीड क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, और वहीं से शॉर्ट्स हमारे वायरल होते हैं। ठीक है, तो ये तीन टैग्स आपको लगाने हैं। इन तीन टैग्स के अलावा जो आपका जो कंटेंट है, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट वीडियो, तो उसके अलावा हैशटैग एक्सपेरिमेंट या हैशटैग क्रैकर्स या जिस भी रिलेटेड हैशटैग पिज़्ज़ा, हैशटैग पिज़्ज़ा मेकर, जो भी सब्जेक्ट आपका है, उसके बाद आपको वो टैग्स यहाँ पर यूज़ करने हैं। लेकिन सबसे पहले जो तीन टैग्स हैं वो मैंने आपको जो बताए वो आपको यूज़ करने हैं। तो फ्रेंड देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट्स फीड क्या होती है। तो देखिए, जब हम अपने वीडियो या शॉर्ट्स के अंदर जब हम ये टैग्स लगाते हैं हैशटैग शॉर्ट्स, तो वो हमारी वीडियो जो है या शॉर्ट्स हैं वो शॉर्ट्स फीड के अंदर आती है। और शॉर्ट्स फीड क्या होते हैं, वो ये होते हैं फ्रेंड्स, ये। तो जब भी कोई यूट्यूब एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करता है तो शॉर्ट्स फीड यहाँ पर शो होते हैं। अब अगर हमारा भी उसके अंदर टैग्स प्रॉपर लगे होंगे तो हमारा शॉर्ट्स भी यहाँ पर शो होगा, और यहाँ पर पब्लिक जब क्लिक करती है और जब स्क्रॉल करती है तो हमारा शॉर्ट्स भी वहाँ पर शो होने लगता है। तो यहाँ पर यही चीज़ सिर्फ ध्यान रखने वाली थी। तो फ्रेंड्स, ये थी एक इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स से रिलेटेड। तो कैसे लगी आपको वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों फैमिली के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के निशान के ऊपर टच करके और उसके बाद घंटे के निशान पर जरूर टच कीजिए। ये बिल्कुल फ्री होता है और आप इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।